एंड्रियस, आपकी केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। आज हम करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। वो भी है कौन सी है? हमारे पास मॉडल पेपर में आई हुई है, क्योंकि मैं अपना मॉडल पेपर सॉल्व करवा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो मॉडल पेपर की वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर जो है वो उसे देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन पर मैं उसका लिंक डाल दूंगी। तकरीबन दो पार्ट्स करके जो है वो मैंने उसके क्वेश्चन सारे शेयर कर दिए हैं। ये बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन रह गई थी और हीट सबमिशन का एक सवाल रह गया था, तो आज हम बैलेंसिंग इक्वेशन को भी निपटा देंगे। अच्छा, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन का भी मैं बता दूं, इससे पहले भी मैं दो वीडियोस बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन की बड़ी डिटेल के साथ जो है वो शेयर कर चुकी हूँ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पर जो है वो मैं दे दूंगी। ये हमारे पास एसिडिक मीडियम की है, ये हमारे पास बेसिक मीडियम की है। हम इसको बिल्कुल डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आज हम इसको कंप्लीट कर उठें, ठीक है? यानी कि फिर उसके बाद जो है वो बस इसके रिवीजन करने की जरूरत आए। चलिए अब बात करते हैं। देखिए भाई, हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का इसमें सारा का सारा गेम होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को थोड़ा बता दूं, हमारे पास ऑक्सीडेशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है हमारे पास रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही है ना भाई? हमारे पास रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हमारे पास रिडक्शन किसको कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का ऐड होना। अब होता कुछ यूं है कि हमारे पास एक सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, नेगेटिव सब एटॉमिक पार्टिकल है, ठीक है? एक न्यूट्रल एटम में हमारे पास बराबर का इलेक्ट्रॉन है, बराबर का प्रोटॉन है, यानी पॉजिटिव साइन भी बराबर है और नेगेटिव साइन भी। लेकिन अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिमूव हो गया, तो खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कम, पॉजिटिव की क्वांटिटी ज्यादा, तो इसका मतलब जिधर ऑक्सीडेशन होगी वहां पॉजिटिव साइन बढ़ेगा, ठीक है? और जहां रिडक्शन होगी, रिडक्शन का मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम सेम है, अचानक से इलेक्ट्रॉन गेन हो गया और तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यानी नेगेटिव आइन बढ़ गया, पॉजिटिव आइन नीचे, तो इसका मतलब के हमारे पास नेगेटिव आइन। अब नेगेटिव आइन क्या होता है बेसिकली? या तो हमारे पास पॉजिटिव आइन कम होगा या तो वह नेगेटिव की तरफ चला जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव आइन पीछे होते होते कहां जाएगा भाई, पीछे माइनस पर ही जाएगा, ठीक है? तो यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होने का मतलब यह है कि पॉजिटिव साइन इंक्रीज होगा, यानी कि उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए। इतनी बात समझ में आ गई होगी, आई होप। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमें देखना यह कहां ऑक्सीडेशन हुई है, कहां रिडक्शन हुई है, ठीक है? अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो समझ में आ रहा होगा, ये Fe प्लस टू था, प्लस थ्री हो गया, प्लस टू था यानी इसने अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए थे, लेकिन आफ्टर रिएक्शन इसने अपना एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, यानी कि इधर ऑक्सीडेशन हो गई, ठीक है भाई? अब देख लिया रिडक्शन, अब उसके लिए लाजिम है हमें पता होना चाहिए क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे मालूम करते हैं, इसकी वीडियो भी शेयर की हुई है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं सब चीजें बता दूंगी। यहाँ पर इधर से मैं बता रही हूँ किस तरीके से क्या करना है। भाई ये क्रोमियम है, हम क्या करते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को प्लस करते हैं, ठीक है? सीआर टू को प्लस करना है ओ सेवन से, और इज इक्वल टू का साइन लगाना है, ऊपर जो भी साइन होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ऊपर कोई साइन नहीं है जीरो आ जाएगा, ऊपर साइन है माइनस वन है माइनस वन लगा दें, माइनस टू है माइनस टू, प्लस वन है प्लस वन लगा दें, प्लस टू है प्लस टू लगा दें, ठीक है? इतना कर दिया, इन दोनों को प्लस करेंगे, इज इक्वल टू लगा के जो ऊपर की हमारे पास जो है वो माइनस साइन होगा वो हमने इज इक्वल टू के इस तरफ लिखना है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आती है कुछ फिक्स वैल्यू, क्रोमियम की तो हमें मालूम करनी है, और ऑक्सीजन की फिक्स होती है, ऑक्सीजन की फिक्स कैसे होती है, ऑक्सीजन की है माइनस टू, ठीक है? फिक्स वैल्यू है, और टोटल कितनी ऑक्सीजन है, सात ऑक्सीजन है, सही है? इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये फिक्स वैल्यू जब आप मेरी वो वीडियो देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसकी डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, और भी ज्यादा समझ में आ जाएगा, मैंने काफी सारे एलिमेंट की जो है वो फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट बताई हुई है। ऑक्सीजन की फिक्स होती है माइनस टू, वैसे ऑक्सीजन की और भी बहुत सारी होती है, माइनस वन जिसमें वो परऑक्साइड बनाता है, लेकिन उसकी इधर यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो हमारे पास ये आ गया यहाँ पर इतना स्टेप। अब मैक्स की तरह इसकी कैलकुलेशन करें भाई, क्रोमियम इसी तरह चला जाएगा, टू सेवन का फोर्टीन, ठीक है? माइनस टू फोर्टीन इधर जाएगा, क्रोमियम 14 माइनस 2, क्योंकि ये इधर जाके प्लस का बन जाएगा, ठीक है भाई? तो अब क्रोमियम 12 आ गया, लेकिन ये क्रोमियम 2 है, दो क्रोमियम है, दो क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, तो भाई एक क्रोमियम की कितनी बनेगी, दो की हमारे पास 12 है, तो एक की मेरे पास 6 बनेगी, ठीक है भाई? यानी कि इधर क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है प्लस 6, और इधर है प्लस 3, प्लस 6 से प्लस 3 पर आ गई। प्लस 6 का मतलब था इसने 6 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए थे, और प्लस 3 का मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए थे, अब सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, यानी कि अब 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं, तभी तो इसकी जो है वो रिडक्शन हुई है।
तो ये चीज हमारे पास इधर पता चल गई। ये स्टेप अगर आप पहली दफा ही कर लेंगे आपके लिए बाकी चीज सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। हमें पता चल गया भाई ऑक्सीडेशन कहाँ हुई है, रिडक्शन कहाँ हुई है। चलिए अब दोनों इक्वेशंस को तोड़ लेते हैं। Fe+2 हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुआ है और Cr2O7-2 ये हमारे पास क्या हो गया है, रिड्यूस हुआ है। एक ऑक्सीडाइज हुआ है और ये रिड्यूस हुआ है, पहला स्टेप हो गया। अब आप बोलेंगे भाई H+H2O ये तो वैसे भी हमने एडिशन करनी है तो इसलिए इससे हम जो है वो नहीं काउंट करते, हम सिर्फ वही चीजें लिखते हैं जो कि हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन की है। दूसरा स्टेप, अब हमें नंबर ऑफ एटम बैलेंस करने हैं। पहली में एक आयन है Fe का, इधर भी एक Fe का आयन है, इसका मतलब हमें यहाँ पर कोई बैलेंसिंग नहीं करनी। अच्छा, बैलेंसिंग करते हुए एक चीज याद रखिएगा, वो क्या चीज है मेरे पास, बैलेंसिंग करते हुए आपने क्या चीज याद रखनी है कि भाई हमारे पास जो एसिडिक मीडियम है उसमें आप सिर्फ H और H2O ये ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन या हाइड्रोजन ही को ऐड करना होगा आपको बैलेंस करने के लिए, बाकी तो और कोई भी चीज यहाँ पर नहीं आएगी। और बेसिक मीडियम में आपको OH और H2 के थ्रू जो है वो अपने एटम बैलेंस करने होंगे। देखो पहले इक्वेशन में तो कुछ बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, इधर भी एक आयरन का एटम है, यहाँ पर भी एक आयरन का आयन है, दोनों तरफ आयन है। अब हम दूसरी वाली इक्वेशन को देखते हैं। तो दूसरी वाली इक्वेशन में मेरे पास ये रहा Cr2O7, मैं जरा थोड़ी जगह छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे अभी यहाँ पर H या OH लगाना पड़ेगा। अब देखो मैं यहाँ क्रोमियम है, यहाँ पर क्रोमियम कितने हैं, दो, यहाँ पर भी मुझे दो करने हैं तो ये तो 2 लगा दिए। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 7, और ऑक्सीजन मुझे इन दोनों में कहाँ पर मिल रहा है, ऑक्सीजन मुझे मिल रहा है ये वाटर के थ्रू, ठीक है भाई। तो अब क्या होगा कि वाटर के यहाँ ऑक्सीजन वाटर के थ्रू मिल रहा है तो मैं यहाँ पर एक वाटर के मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन है और मुझे 7 ऑक्सीजन यहाँ बनानी है, तो भाई मैं 7 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ ऐड कर दूंगी। लेकिन जैसे ही मैंने 7 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड किए, यहाँ 14 हाइड्रोजन भी हो गए क्योंकि 7 × 2 = 14, कोई मसला नहीं है यार, 14 हाइड्रोजन यहाँ बना देते हैं। इन दोनों के थ्रू मैंने बैलेंस कर दी इक्वेशन, ये तो बैलेंस ही थी, इन दोनों को बैलेंस कर दिया भाई, मेरा हाइड्रोजन क्रोमियम और ऑक्सीजन बैलेंस है। अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टेप, ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में स्टेप करवाया ना, ये अगले स्टेप में बात काम आएगी। कैसे, क्योंकि ना देखो वैसे तो आपको बहुत सारे टीचर्स जो है वो ये कह देंगे कि यार आपने बस ये पता लगाना है ये ऑक्सीडेशन ये रिडक्शन, आप ये भी पता लगा दें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है और हमारे पास रिडक्शन स्टेट कितनी है, यानी कि क्वांटिटी भी अगर आप जो है वो मेजर कर लेंगे तो इस स्टेप में आपको ज्यादा मसले नहीं होंगे। स्टार्टिंग में कर लिया, अब मसला नहीं है, क्यों, क्योंकि अब आप ये देखेंगे कि बेसिकली आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, कितने गेन। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, गेन होंगे तो रिएक्टेंट में ऐड होंगे, यानी कि फर्स्ट के तौर पे एक्स ने गेन किए हैं इलेक्ट्रॉन तो वो मेरे पास एक्स माइनस हो चुका है, तो हम गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट में आएगा और ऑक्सीडेशन में जब वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन हम क्या करते हैं, उसने लूज कर दिया, लूज करने की वजह से हम क्या करेंगे, ये चीज प्रोडक्ट में लिखेंगे, ठीक है। अब देखें आयरन के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे और अब इसके सॉरी आयरन की जो ऑक्सी अब देखिए आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 यहाँ जाके +3 हो गई, यानी कि पहले इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे अब 3 कर दिए, यानी कि इसने टोटल जो है वो एक इलेक्ट्रॉन अपना जो है वो क्या किया है लूज किया है। तो इसका मतलब अगर मैं इस इक्वेशन को ये कर दूं कि Fe+2 Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अपना इसने एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दिया है, ठीक है। अब क्रोमियम को देखते हैं, अब देखें यहाँ पर जो ऊपर वाली है ठीक है इक्वेशन है उसके थ्रू मुझे पता लग रहा है यहाँ +6 थी यहाँ +3 हो गई, यानी कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, ठीक है। इसके पास +6 पॉजिटिव चार्ज था, इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए जिसकी वजह से वो 3 माइनस के साइन ने 3 प्लस के साइन को न्यूट्रल किया और उसके बाद अब इसकी जो है वो +3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन एक क्रोमियम ने जो है वो क्या किया है एक्सेप्ट किए, एक क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब हम यहाँ पर आ गए इस स्टेप पे हमने बैलेंसिंग करते हुए इसकी क्वांटिटी डबल कर दी, ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज भी डबल हो जाएगी, यानी कि क्रोमियम 2 O7 14 ये वैसे का वैसे ही। अच्छा यहाँ पर हम क्या कर देंगे कि भाई एक क्रोमियम ने, फिर बता दूं एक क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं 2 नहीं लगाती, ये पहले से ही बैलेंस होता तो फिर मैं 3 ही लिखती, लेकिन यहाँ पर क्या चीज है, एक क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, यहाँ पर 2 क्रोमियम हो गई तो 3 और 3 6, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन गेन हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाकी सब वैसा का वैसे ही लिख दिया हमने।
सही है भाई। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये कि हम दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम पर लेकर आएंगे ताकि इलेक्ट्रॉन्स को हम काट दें। अब इधर है 6 इलेक्ट्रॉन, इसको भी 6 कर दें। और इसको 6 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, अपनी पहली इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूंगी, इसे 6 से मल्टीप्लाई कराऊंगी। तो जब ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 6Fe+2, ठीक है, 6Fe+3, 6×1=6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बाकी नीचे वाली को हमें अब मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है, वो तब होती है जब दोनों में अलग अलग होते हैं और अलग अलग होने की वजह से फिर हमें जो है वो दोनों को सेम नंबर पर लाना होता है, मे बी इसमें करने की जरूरत पड़ जाए, ठीक है। तो इसको हम उसी तरह लिख देंगे, क्रोमियम 2O7+14 H+6 इलेक्ट्रॉन ये आ गया, और उसके बाद 2 क्रोमियम+3+7H2, ठीक है, H2O। अब जो चीज कट रही है उसे काट देते हैं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही कट रहे हैं। एट द एंड इनको प्लस करके लिखते हैं, मैं यहाँ पर प्लस करके लिख रही हूँ, हमारे पास बची है 6Fe+2+Cr2O7−2+14 हाइड्रोजन। ये तमाम चीजें हमारे पास रिएक्टेंट की आ गई। प्रोडक्ट में देख लेते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट में बच रहा है 6Fe+3 2Cr+3 और साथ में 7H2O, ठीक है भाई। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है भाई एसिडिक मीडियम, ये किस तरीके से हमारे पास एसिडिक मीडियम में जो है वो ये सॉल्व होगा। अब हम आते हैं किसकी तरफ, बेसिक मीडियम की तरफ, ये कैसे सॉल्व होगा। चलिए अब बेसिक मीडियम की सॉल्व करते हैं। बेसिक मीडियम में से फर्क ये होता है कि जब हम नंबर ऑफ एटम को कैलकुलेट कर रहे होते हैं यानी कि बैलेंस कर रहे होते हैं, उस टाइम पर हम क्या चीज लगाते हैं, OH एंड H2O, वो भी अपनी अकलमंदी से किस तरफ OH लगेगा और किस तरफ H2O, उसमें किस तरीके से हमें जो है वो ये चीज पहचाननी होती है, सॉल्व करेंगे और देख लेंगे। चलिए अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं यहाँ पे चारों की क्या क्या है। एक तो भाई ये कन्वर्जन हुआ है, ठीक है, और एक हुआ है ये। अब देखना ये या मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या पहुंची है यानी कि यहाँ रिडक्शन हुआ है ये चीज, तो भाई वही चीज अप्लाई करेंगे यहाँ पर जो कि अभी हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए की थी। वो क्या था भाई, Mn+O2=- माइनस का साइन है तो -1 लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। Mn को यही बार लिखते हैं, फिर उसके बाद -2 × 4, ठीक है भाई। अब क्या होगा हमारे पास, Mn -2 × 4 = 8 = -1, और ये -8 का यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा Mn = 8 - 1, Mn = 7, वो भी प्लस का 7, जहाँ कुछ साइन नहीं होता वो प्लस होता है, तो यानी कि यहाँ पर Mn था +7, सही है, और यहाँ पर हो गया ये +2, +7 था, 5 इलेक्ट्रॉन की कमी थी इसके पास, अब इसकी कमी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की रह गई है, यानी कि इसने अपने 7 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, और 5 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद अब इसकी कमी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की रह गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया है रिडक्शन देखा जाए तो, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस हुई है, कम हुई है +7 से +2। अब बढ़ते हैं हम दूसरे की तरफ, सल्फर की कितनी है, पहले इधर सल्फर को देखते हैं, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा तेज लेकर चल रही हूँ, आई थिंक अब ये स्टेप आपको आ गया होगा, ठीक है। सल्फर O3 = -2, सल्फर +-2 × 3, −2 सल्फर −2 = 6, ठीक है, −2 सल्फर = 6 − 2 सल्फर = 4, यानी कि यहाँ पर सल्फर था +4, ठीक है। अब देखते हैं दूसरी तरफ क्या हुआ, दूसरी तरफ चलिए अब माइंड में ही सॉल्व करके बताती हूँ ताकि आपको ना ये भी तरीका है, बार बार आप लिख कर जो है वो देर ना करें। आपने क्या किया, आपने कहा भाई ये ओ जो है वो 4 है, 4 को है, 4 × 2 = 8 - 8 - 8, और ये -2, अब ये −8 = के दूसरी तरफ जाएगा +8 बन जाएगा, ठीक है। +8 में से यानी कि जो भी 4 × 2 = 8 - 8 आया है, ठीक है, +8 में से जब आप 2 निकालेंगे तो आपके पास क्या, यानी कि वही कैलकुलेशन जो मैं यहाँ कर रही थी जल्दी से माइंड में करी, ठीक है, +8 में से गए निकले भाई ये कितना बचा 6, तो मेरे पास आ गया +6, 4 इलेक्ट्रॉन की कमी थी पहले, अब 6 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया अपने, तो यानी कि यहाँ पर क्या हुई है ऑक्सीडेशन। इतना तो मुझे पता चल गया मेरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सा है और मेरा रिड्यूस रिएक्शन यानी कि रिडक्शन कौन सा है रिएक्शन है, ठीक है। अब मैं लिख दूंगी भाई MnO4 माइनस, ये गया मेरा Mn+2 की तरफ, और दूसरा जो है वो है सल्फर ट्राइऑक्साइड, चेंज हो गया सल्फेट में, ठीक है भाई, ये मेरे दोनों रिएक्शन कंप्लीट हो गए। अब क्या करना है अगला स्टेप, अब अगला स्टेप करना है हमें बैलेंसिंग ऑफ एटम, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करना है। अब देखिए बैलेंसिंग में मुझे क्या लगना है, H2O और H, अब देखो OH बराबरी है, H2O में क्या है हाइड्रोजन ज्यादा है ऑक्सीजन कम,
तो जहां पहले से ही ऑक्सीजन ज्यादा है, जहां पहले से ही ऑक्सीजन ज्यादा है वहां पर आप वाटर ऐड कर दो, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए, यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है, इसका मतलब यहां पर H2O ऐड होगा। अच्छा, अब यहां मैं ना, अभी मुझे नहीं पता कितने H2O ऐड होंगे, सब बैलेंसिंग करके बताती हूँ, बस मुझे अभी इतना पता चल गया इस तरफ H2O ऐड होगा, ठीक है। तो इस तरफ H2O ऐड करके यहाँ Mn प्लस 2 करके यहाँ इसका मतलब OH ऐड होगा। अब देखो भाई, मैं क्या करती हूँ, चार और एक पांच ऑक्सीजन और सिर्फ दो हाइड्रोजन, मुझे कुछ ऐसा करके लाना है कि दोनों इस तरीके से बराबर आ जाएं। अगर मैं यहाँ पर टू करती हूँ, फर्स्ट के तौर पर टू टू था फोर, फोर हाइड्रोजन हो जाएंगी, जबकि फोर और फाइव, फाइव ऑक्सीजन हो जाएंगी, नहीं थ्री। जब मैंने यहाँ पर थ्री ऐड किया, थ्री टू था सिक्स, फोर और फाइव, छह हाइड्रोजन हो रही है और पांच ऑक्सीजन, थ्री से भी नहीं हो रहा, मुझे बराबर लाना है। फोर करके देखते हैं, फोर टू जा एट और यहाँ चार है, फोर वन जा फोर, यहाँ चार ऑक्सीजन, यहाँ चार ऑक्सीजन, आठ ऑक्सीजन हो गई और फोर टू जा एट, यानी कि आठ ऑक्सीजन यहाँ पर है, आठ हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो यहाँ मैं एट ऐड कर दूंगी। समझ में आया कैसे बैलेंस किया? बस सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग को देखना होता है, ठीक है। क्योंकि पहला वाला तो हमारे लिए आसानी से हो जाता है, हम वाटर ऐड करते हैं जहां ऑक्सीजन की कमी होती है और वहां पर जो है वो फिर उसके बाद अपना एच एन लगा देते हैं। यहाँ जरा हमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों को बैलेंस करना पड़ रहा होता है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होता है हमें। अगली उस पर आ जाते हैं, अगली है SO3। अच्छा, अब यहाँ पर एक और देखो, पहली इक्वेशन आपने बैलेंस कर दी ना, दूसरी खुद ब खुद आसान हो जाएगी। क्यों? अगर पहली इक्वेशन में यहाँ वाटर आया तो अगली दफा वाटर यहाँ लिखना होगा, ठीक है। ये छोटी छोटी से वो यूं समझ लीजिए, वो शॉर्टकट है जो आपको काम आएंगे, ठीक है। अब यहाँ OH था, अब की बार यहाँ OH हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, बैलेंस, ठीक है भाई। चार ये रही, पांच बार ये रहा, ठीक है, चार ऑक्सीजन और ये पांच, पांच ऑक्सीजन हो गई और दो हाइड्रोजन है। अगर देखा जाए अभी यहाँ पर देखिए तीन है, तो भाई सिंपल से दो लगा दू, यहाँ पर दो ऑक्सीजन, तीन दो पांच, ऑक्सीजन पांच हो गई यहाँ पर भी और हाइड्रोजन यहाँ पर दो हो गई, ठीक है भाई। पहली वाली कर लो, दूसरी वाली खुद बहुत आसान हो जाती है, उसको करना मुश्किल नहीं होता। सल्फर दोनों तरफ बैलेंस है, यहाँ पर सल्फर और मैग्नीज को हमने नहीं छेड़ा, वहां क्रोमियम को छेड़ना पड़ गया था, क्योंकि क्रोमियम यहाँ पर जो है वो दो था और यहाँ पर क्रोमियम जो है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक जो है वो बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब क्या करना है, अब हमने इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है। यहाँ पर जो Mn था, सात थे दो आए, यानी कि इसने कितने, पांच इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो लिख देंगे भाई पांच इलेक्ट्रॉन गेन किए। Mn O4 माइनस प्लस 4H2O प्लस कितने, पांच इलेक्ट्रॉन, पांच इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए भाई, तो ये मेरे पास बन गया Mn प्लस 2 प्लस 8OH, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, ये हमारे पास प्लस 4 था, अब ये हमारे पास प्लस 6 हो गया, यानी कि इसने अपने दो इलेक्ट्रॉन और लूज कर दिए। तो भाई हम क्या करेंगे इधर SO3, ठीक है, माइनस टू, ठीक है, प्लस टू ओ एच, और इसने अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो आगे हम लिख देंगे तो भाई इसने अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। अब देखिए यहां पर जो है वो हमारे पास क्या चीज है, देखा जाए तो यहाँ पांच इलेक्ट्रॉन, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस इक्वेशन को मुझे कुछ किसी भी तरह करके इन दोनों इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को बराबर लाना है, या तो इसको पांच पर ले आऊं या इसको दो पर नहीं ला सकते, या दोनों को किसी ऐसी जगह पर ले आऊं कि दोनों सेम हो जाएं। तो भाई इस इक्वेशन को अगर मैं टू से मल्टीप्लाई करा दूं, फाइव टू जै टेन, इस इक्वेशन को फाइव से करा दूं तो टू फाइव जै टेन, तो इसका मतलब कि मैं अपनी पहली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कराऊंगी, मल्टीप्लाई बाय टू, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन को कराऊंगी मल्टीप्लाई बाय फाइव। अब ये इक्वेशन मल्टीप्लाई होने के बाद टू से क्या बनेगी देख लेते हैं, टू एवन फोर, ठीक है, प्लस टू फोर जा एट, एट एच टू ओ, प्लस टू फाइव जा टेन, टेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। फिर उसके बाद हमारे पास इक्वेशन आ गई टू एम एन प्लस टू, और फिर हो गया टू एट जा सिक्सटीन ओ एच, ठीक है भाई। अब दूसरी वाली इक्वेशन को देख लेते हैं, दूसरी वाली इक्वेशन को हमें किससे मल्टीप्लाई कराना है भाई, फाइव से कराना है, फाइव एसओ थ्री प्लस फाइव टू टेन, टेन ओ एच, टेन ओ एच, ठीक है। आगे करते हैं, सल्फर सल्फेट है तो ये हो जाएगा मेरे पास फाइव एसओ फोर प्लस फाइव एच टू ओ प्लस टेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, जो कि आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास इक्वेशन निकल कर आई है। अब जो चीज कट रही है उसे काट देंगे, ठीक है, जो भी चीज हमारे पास यहाँ पर कट रही है, अब देखें क्या चीजें कट रही है, यहाँ हमारे पास काफी सारी चीजें कट रही है,
दस इलेक्ट्रॉन, दस इलेक्ट्रॉन, पहले तो इलेक्ट्रॉन को कट कर देते हैं। अब क्या है यहाँ पर, दस ओ एच यहाँ पर है, सोलह यहाँ पर है, तो इसके तो दस पूरे ही कट जाएंगे, इसके दस कटेंगे, लेकिन इसके पास अभी छह ओ एच और बचेंगे। आठ वाटर के मॉलिक्यूल, पांच वाटर के मॉलिक्यूल, इसके पांच पूरे कट जाएंगे और इसके पांच कटने के बाद तीन रह जाएंगे, ठीक है। पांच पांच दोनों के कट गए, तीन इधर रह गए, और इसके दस दस दोनों के कट गए, इसका इधर के छह रह गए। अब जितना सब कुछ रिएक्टेंट में बचा है वो रिएक्टेंट में लिख देंगे, जितनी चीजें प्रोडक्ट में बची है प्रोडक्ट में, ठीक है। सबसे पहले 2MnO4, फिर उसके बाद नीचे वाला 5SO3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा था, ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये 3H2O बचा है, फिर ये आ गया अगला, मतलब आप प्रोडक्ट लिख लेते हैं। प्रोडक्ट में हमारे पास 2Mn प्लस 5SO4, अब यहाँ छह जो है वो मेरे पास OH बचे हैं। इस तरह करके ये इक्वेशन मेरे पास बैलेंस हो जाएगी। बहुत इजी मेथड है, आई होप कि अब जो है वो कम्प्लीटली आपको बैलेंस इक्वेशन समझ में आ गई होगी। तो अगर तो लेक्चर समझ में आया तो इसे अपनी क्लासमेट्स के साथ, अपनी बैचमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।